जीना से ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे न्यूज़ टॉक में भलीकार चऊं था। ऐं जीअं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं अव्हांखे ॿुधायोसीं त इंतिहाई अहम मामिलो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले तहत मुख़्तलिफ़ खातनि जा जेके 16,000 मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे उहिदनि तां हटायो वियो या खणी चइजे त उन्हनि जे पेट ते लत हणी उन्हनि खे बेरोज़गार कयो वियो। जेके मुसलसल सरापा एहतजाज आहिनि, असीं बार बार चऊं था त अॼु जे दौर में जन वटि नौकिरी आहे उन्हनि जो गुज़र थियण बि ॾाढो मुश्किल थी वियो आहे महांगाई जे ज़माने में, पर जन वटि नौकिरी हुई उनखां जेकॾहिं नौकिरी खसी वञे त उन्हनि ते उहे ॾींहं कीअं गुज़रना हूंदा, उन्हनि जा ख़ानदान केतिरो मुतासिर थी रहिया उन्हनि जी पढ़ाई खां वठी खाद खुराक ताईं। सो अॼु सुठी ॻाल्हि इहा थी आहे जो जेके बि मुतासिर मुलाज़िम हुआ उन्हनि सुप्रीम कोर्ट जे उन फ़ैसिले ते नज़रसानी जे हवाले सां दरख़्वास्त दाखिल कई हुई ऐं उन ते जेका आहे अॼु ॿुधणी थी शुरूआती तौर ते। उहा दरख़्वास्त जेका आहे नज़रसानी वारी, उहा अपील जेका आहे उहा मंज़ूरु कई वई आहे। बहरहाल स्टे जो बि मुतालबो कयो वियो उन फ़ैसिले ख़िलाफ़, उहा जेका अपील हुई उहा रद्द थी आहे। उन्हनि ताईं मामले ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुई सदरनि गैस यूनियन जा जेके आहिनि अॻूणा उहिदेदार बि आहिनि ऐं बहितरीन असांजा लेखारी बि आहिनि, कालम निगार ऐं लेखारी साईं ज़ुल्फ़िकार क़ादरी साहबु, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं जेके पाण मुलाज़िम बि आहिनि। तमामु घणी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार क़ादरी साहबु असांखे टाइम ॾिनो। पहिरें त अचूं सर हिन फ़ैसिले ते, जेको इहो अगस्त जे महीने में फ़ैसिलो आयो सुई गैस समेत मुख़्तलिफ़ खातनि मां हिकु ई धक में जेको आहे सो जज साहिबु रिटायरमेंट वारे ॾींहं ते जेको आहे सो फ़ैसिलो ॾींदे 16,000 मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ करे छॾियो, उन फ़ैसिले जा केतिरा असर पिया आहिनि सुई गैस जो जेकॾहिं ज़िक्र कयूं या ॿियनि खातनि जो, छाकाणि तव्हां हिन मूवमेंट में यको उन्हनि समूरनि मुलाज़िमनि सां लह विचड़ में आयो, एहतजाज बि कंदा रहो था, छा पई गुज़रे उन्हनि ते सर? इन जा जेके तमामु इंसानी जेके से मुआशी ऐं समाजी जेके से मनफ़ी असर थिया आहिनि ऐं हिकिड़ा माण्हू जेके से ज़िंदगी जो वॾो अरसो खातनि में जेको आहे सो जिन मुलाज़मतूं कयूं ऐं उन खां पोइ उनखे जेको आहे सो अचानक कढियो वञे जॾहिं त उहे उन केस में धुर बि न हुजनि, उनखे तव्हां ख़बर बि न हुजे केस जी, जॾहिं त केस जेको मखसूस खाते जो, छो त ही जेको सो 72 खाता आहिनि वफ़ाकी खाता, फेडरल गवर्नमेंट जे 72 खातनि में मुख़्तलिफ़ जेके कैटेगरीज में, हिन में को बि कमिटेड ऑफिसर कोन्हे। या इहो चवनि त बाबा जेको सो को 18 ग्रे मतिलबु ही सभु लोअर जेके 16 ग्रेड खां घटि वारा जेके हिन में हुया, पटियाला चौकीदार इहे क्लार्क इन इन क़िस्म जा जेके असिस्टेंट, अचानक जेको सो 17 तारीख़ हिकिड़े घर जो जेको सो हिनखे वॾो, छो त असां वटि मुआशी जेको आहे सो एॾा मसला आहिनि जो घर में हिकिड़ो कमाईंदड़ त 10 ॼणा बाती खाइण वारा आहिनि बिल्कुलु, ऐं मोस्टली जेको आहे सो उमिरि हिन वक़्तु उन्हनि मुलाज़िमनि जी 50 खां क्रॉस करे वई आहे के रिटायर थियण वारा आहिनि। त हाणे इन ओचितो जेको रोज़गार उन खां हलियो वञे त उनजे घर में फाका कशी वारी सूरत हाल थी वञे न, त ही तमामु जेके जेके मुआशी तौर सां इकोनॉमिक तौर सां मतिलबु त ॾाढा असर थिया आहिनि माण्हू जेके ऐं ॿियो इन सॼे अरसे में 17 अगस्त खां 11 नवंबर ताईं तक़रीबन 22 मुलाज़िम जेके लथल मुलाज़िम जेके हिन में सदमे में ऐं जेके हिन ताईं इंतकाल करे चुका आहिनि, अलाह खे पहिरां थी चुका आहिनि हिन ताईं, इहो हिकिड़ो साॼो आहे हितांजी बिल्कुलु। ऐं उहे ईअं खणी चइजे त इन ॼण त सदमे में विया हूंदा हलिया, ज़ाहिर आहे जंहिंजो रोज़गार ईअं अचानक हलियो वञे, यकीन उन जो असर थियो आहे, सदमे में हार्ट अटैक में विया आहिनि, ब्रेन हेमरेज में विया आहिनि। अच्छा ॻाल्हि इहा ई त पाण पहिरें बि हुन ते असां ॻाल्हायो आहे त माना जेकॾहिं उहे खाता धुर ई न हुआ, जीअं अव्हांखे मुंहिंजे ख़्याल में ख़बर ई न हूंदी त अहिड़े क़िस्म जी दरख़्वास्त बि आहे या पेंडिंग में पई आहे, जहिड़ी जज साहिबु जेके आहिनि उहे रिटायर थींदा उन ते फ़ैसिलो ॾेई हलिया वेंदा, त पोइ अव्हांखे माना अव्हांजो मौक़िफ़ ई न ॿुधो वियो न ईअं खणी चइजे, या उनखे जेके धुर हूंदी आहे उनखे नोटिस वेंदो आहे असल में त जेकॾहिं थोरी इजाज़त हुजे त हिकु मिंट आवाज़ु वठंदुसि जी बिल्कुलु। ही जेके हुया को हिकिड़े कंहिं सूबे मां न हा, इहा ॿी ॻाल्हि आहे अक्सरियत जी साईं पाकिस्तान जे तमामु इलाइक़नि मां, बलूचिस्तान मां, सिंध मां, कश्मीर मां, गिलगित बलूचिस्तान सां बि ताल्लुक रखनि था,
इन में ये केस बेनजी भुट्टो साहब के बे दौरे हुकूमत में टे वी आसो छियानवे तीन अपार्टमेंट थे जिनके बी जैसे गवर्नमेंट आई लाए छो वही मोस्टली तकरीबन मोस्टली स्विंग सजो पाजे खाते जो मिसाल वो अपार्टमेंट्स थी तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरतरफी मूल कोर्ट में वह तकरीबन असिंगेस खाते में साढ़ा सत सौ मानून के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिफाइड कर चुकी है तो भर्तियों के से कानूनी हुई रखो तो उसे असारे के अंदर कम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे बिल्कुल ये इलीगल इल्जाम है तो गैर कानूनी भर्ती थी बगैर कंको इश्तार के एंट्री के ये भर्ती थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन साढ़ा सत सौ मानू के कें सो जस्टिफाई करो उनके रीइंस्टेट कई असारे के अंदर तो खैर बाकी रही वह तो वही ब हजार अठ में जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई त ऑर्डिनेंस के जरिए उनके सो बहाल अगते हली उन ऑर्डिनेंस के पाकिस्तान की पार्लियामेंट कौमी असेंबली ए सेनेट जो सो बिल की सूरत में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की सूरत में उनके आईनी शिकिल दई उनके सो लीगल कवर दिनों तो यो भी जाए सो तजाद है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के कें कानून के पास के कोर्ट जो सो डिलेवाइड कर छे यो भी पंचायत है अलबियो है तो अज अटॉर्नी जनरल भी यही है उनमें जैसे अज है सीक्वेंस में था अचो सो बहाल किया हजार एक्वी में हाँ सो हाँ अरे इन केस जो पस मंजर ही है सही तो ब हजार बारह में बहत्तर खातन में सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के जे पुराना सीनियर मुलाजिम आ टी चाली उनके आईबी के अंदर भी बहाल थे मू बिल्कुल उनके चैलेंज किया बहाल थियारिटी मुता हाँ वो केस हो जस्ट आईबी के मुलाजिम के बिटवीन हो छो तो ये खपत हो तो जे मुलाजिम जे सीनियर हुआ जे बाबा इन बहाल थियण से असिनारिटी मुतासर थी थे कोर्ट उन्हें चालीस जन रिलीज नहीं छाया सेटल कर आईबी जो मैटर चुको पर जस्टिस बशीर आलम साहब जो सो पे तो ब साल इनके केस के रिजर्व रखो बिल्कुल ब हजार बारह की पिटिशन जो हलती आई उवी में उनके केस की जजमेंट के रिजर्व क्यों जै ढी से सत्री अगस्त से जस्टिस बशीर आलम साहब रिटायर तो थे रिटायर थियण का चार्ज छा कोर्ट का घर वजन का कुछ लंबा अग में जजमेंट बुधा छी तो यो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ कानून आ सो जो सो गलत पास जैसे कानून ही गलत थो तो उन सत्रह हजार इन मुल्क जहा मुलाजिम मुतासर थकीन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही उनके इदार फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंप्लीमेंट कराओ सत्रह हजार मुलाजिम घर भेड़ा थी उनका जो सो हाँ मोस्टली उन मानून में पंजा को उनकी एज ट्रपल के रिटायरमेंट के वेझा हाँ इन एज में कें बे इदारे में भी नथा लगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के इन मानू के कढ़ो तो उन वक्त जैसे पिटिशन अज को जो सो दह साल अग में पिटिशन दाखिल थी उन वक्त तक जजमेंट दे छो तो मानू वही कें बे कम से लगना दह साल वो केस उनके हलाइंदा रहा रखो रो उनको दह साल उनकी जजमेंट के एक्वी में दिनी थी वे तो हाँ हाँ तरफ रस्त ही तो बचो ना उन मानू के लिए उनकी उम्र भी नौकरियों को चढ़ी हुई
अच्छा कादरी साहब अज डेवलपमेंट है उनके कें पर ऐसो नजरसानी दरख्वास्त मंजूर थी या मुझे ख्याल में हाँ वरी जल्द बुधनी थी दी जगह 29 नवंबर ते बुधाए पे मे भी उनका जो हफ्तो शुरू थी नो इन अमल के कें पर ऐसो अज हाँ जी हाँ नसीर अज जी बरतरशू थी उन खिलाफ तमाम मुलाजिम जैसे में रिव्यू में वह नजरसानी में वह नजरसानी जो सो टिन महीन अज पी जो सो सुनवाई अज थी 11 नवंबर से जैसे बेंच जो सो सीनियर जज आन जो सो जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब सरबराही में जो सो उन बेंच जो सो उनके बुझण जोगो करार दिनो है उन सभी पिटिशन के तकरीबन 70 के लगभग जैसे रिव्यू पिटिशन दाखिल थी जिनके जो उनमें मजेदार गाल खुद सरकार भी इन केस में धुर थी आई है सही जो उन तरफ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश थो जे अज दलील दिना जो सो इन मुलाजमन के कढ़ण के खिलाफ असी जो सो स्टेट भी आई है बिल्कुल वफाक भी आयो है तो इन जो सो जज साहब जी केस रिपोर्ट चाहे उन मुताबिक अटॉर्नी जनरल मुझे हथ खो आया इन केस में तो उन्हें इन केस में जज थो ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कें कानून के सही आइन की कें शिक के या जो सो एक लॉ के कोर्ट रद्द थी करे उन असूली तौर से कानूनी तौर से अटॉर्नी जनरल जो मौक बुधो वो है बाबा कोर्ट इन कानून के रद्द कर दी चाहे इन में वफाक जो मौकफ है बिल्कुल अटॉर्नी जनरल चो मुझो कम है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो बचाव करो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के मुतसादिम जो सिलसिलो मान जो फर्ज है तो स्टेट के तरफ मैं इन बचाव में अचा 17,000 मुलाजिम के लिए तदें अपीयर थो तदें अस अपील में आया हूँ पर अज उन केस की बाजाबा बुधड़ी थी सभी पिटिशन के बुधण जोगो करार दिनो वो उन अलावा एकड़ी कुछ मुलाजिम अड़ा भी इन 17,000 में सॉरी 17,000 में जिन डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उनके घर क्वार्टर रेंट अलाट थियल वो खतरो हो तो भाई उनके खाली न करायो वे चो देखो तो नौकरी भी हली वही वरी जो सो घर भी खाली तो बरहाल कोर्ट जो सो इंटरम जो सो दिनो है जो सो तो इन मुलाजमन के फैसले ती अस जजमेंट इनके केस के फाइनल जजमेंट आज उनके घर खाली न कराए एकड़ी बी गाल भी कोर्ट कई है इंदर सुनवाई 29 नवंबर का शुरू थी मुमकिन है जो रिमार्क्स कोर्ट के अंदर आया है तो इन केस के जल्दी जो असा बुधन था चाहूँ फैसलो कर था चाहूँ मुमकिन है तमाम घड़ी मेहरबानी कादरी साहब सो ज़ुल्फ़िकार कादरी साहब जो मौके फां बुधो बिल्कुल इनमें को शक ना है इंसानी अलमियो जो है वो जन्म वे पो ये रुगो 16,000 मानू ना एकड़े मानू के पुठियां वाके केतरा ही मानू हैं जिनजो जिंदगी या जिनजो कार वहार उन मुलाजमत से सलाड़ियल हो जो मुलाजमत अचानक उन्होंने कसी वही हाँ उन्होंने मजा जी बुधा पे कादरी साहब 22 के लगभग अड़ा मानू हैं जो इन अगस्त का हिंसर नवंबर तीन फौत थी चुका उन्होंने उम्र जो हाँ उन एज ते वही पौता जो उन्होंने उम्र जो है बी का मुलाजमत वो करे भी को सन सो जरूर बरहाल ऐसो यो है हाँ कोर्ट जो इस्तेहकाक है मामले के कें थी ऐसे अज जी हेयरिंग थी या जो फैसलो अची चुको है उनते पा गाल बोल कर रहा हुआ अज जो प्रोग्राम नाजी इतने ही पुजानी से तो पहुंचे इनशाला वरी इंदड़ हफ्ते पा जरूर गाल बोल कंदी कें नए टॉपिक के हवा से जो करंट सिचुएशन होंगी उन गाल बोल कंदी असा इजाज़त अलनी के पानी।